हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके लिए कुछ सिंपल से टिप्स लेकर के आई हूँ। मैं जो टिप्स लेकर के आई हूँ वो ब्रेड के रैपर और हरी सब्जियों से जुड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए टिप्स लेकर के आई हूँ वो ब्रेड के रैपर और हरी पत्तेदार सब्जियों से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, अधिकतर सभी लोगों के घर रोज ही ब्रेड का यूज़ होता है। तो ब्रेड का पैकेट खोलते हैं, ब्रेड को निकाल करके यूज कर लेते हैं नाश्ते में, और उसके बाद पैकेट को ऐसे ही इस तरह से लपेट करके फ्रिज में या बाहर कहीं भी रख देते हैं। इस तरह से रखने से क्या होता है कि ब्रेड का जो पैकेट है वो थोड़ी देर बाद खुल जाता है और उसमें एयर चली जाती है, जिसके कारण ऊपर की ब्रेड और नीचे की भी दो तीन ब्रेड कड़ी हो जाती हैं। हम ब्रेड को निकालने के बाद ऐसा क्या करें कि हमारी ब्रेड मुलायम ही रहें, कड़ी ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रेड के पैकेट को इस तरह से ले करके इसको इस तरह से मरोड़ करके इसका जो ऊपरी हिस्सा है उसको इस तरह से पूरा खोल देंगे और इसी ब्रेड को उलट देंगे। ये इस तरह से जब हम उलट देंगे तो आप इस ब्रेड को कहीं भी रखें, इसके अंदर एयर नहीं जाएगी और आपकी ब्रेड जैसी आपने मुलायम खरीदी थी उसी तरह से रहेगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी ये टिप्स? फ्रेंड्स, ब्रेड को यूज़ करने के बाद उसके रैपर को हम ऐसे ही डस्टबिन में डाल देते हैं। मैं आपको इस रैपर का यूज़ बताऊंगी। आप जब बाज़ार से हरी सब्जियां लाते हैं तो उन्हें दो तीन घंटे के लिए ऐसे ही खुली छोड़ दें। आप ब्रेड का एक रैपर लें और उसमें इन हरी पत्तेदार सब्जियों को इस तरह से डाल दें और इसके बाद इसको आप फ्रिज में इस तरह से बंद करके रख दें। यहाँ पर आप क्लॉथ क्लिप भी लगा सकती हैं और आप इसको ऐसे भी रख सकती हैं। ये जो आप सोया मिर्ची देख रहे हैं, इसको मैंने 5 दिन पहले इसी रैपर में रखा था, इसी रैपर में पैक करके फ्रिज में रख दिया था और ये आज भी उसी तरह से फ्रेश है। ये देखिए, ये 7 दिन पहले मैंने मटर के दाने भी छील करके इसी तरह से फ्रीजर में डाले हैं। ये देखिए, ये मटर के दाने आज 7-8 दिन पुराने हैं, लेकिन अभी भी वैसे ही फ्रेश हैं जैसे कि उस दिन थे। तो आप इन रैपर का इस तरह से हरी सब्जियों में, मटर में, किसी में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरे ये टिप्स, ये ब्रेड का टिप्स है, ये मटर का है और ये हरी पत्तेदार सब्जी का, अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स।